हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं जुबिन वर्गिस और आप देख रहे हैं मोटर स्पीड इंडिया। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ टाटा टिगोर ICNG के ऊपर। एंड कीज कुछ ऐसे दिखते हैं, लॉक, अनलॉक, बूट ओपनिंग और फॉलो मी हेडलैम्प्स के आपको कंट्रोल इधर मिल जाते हैं कीज़ के अंदर, विच इज़ अ प्रिटी गुड थिंग। कीज़ में आपको ग्लॉस बैक फिनिश का भी टच मिल जाता है इसके अंदर। टाटा टिगोर का फ्रंट देखा जाए तो बहुत बोल्ड स्टाइलिश एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, लाइक ट्राई स्टार आपको एलिमेंट आपको मिल जाता है फ्रंट में, एक बड़ा क्रोम बार आपको मिल जाता है जो हेडलाइट से चालू होता है, एंड एंड्स इन द अदर एंड आपको टोइंग हुक मिल जाता है, नीचे आपको DRLs मिल जाते हैं एंड वन फॉग लैम्प आपको इधर मिल जाता है। नीचे देखा जाए तो भी आपको क्रोम का फिनिशिंग देखने के लिए मिल सकता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। या मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। लाइट्स देखा जाए तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाते हैं, बट LED नहीं मिलते, हेलोजन मिलते हैं इसके अंदर। एंड आपको हाई बीम के लिए हेलोजन लैंप दिया गया हुआ इधर, एंड प्रिटी गुड राइट। एंड बोनट भी देखा जाए तो एकदम कट्स एंड क्रीजेस बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। साइड प्रोफाइल देखा जाए तो कार का ऐसा कुछ दिखता है, इट्स अंडर 4 meter, सो यार टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल सकता है इसके अंदर। आपको टायर्स स्टील रिम्स मिलते हैं, आपको एलॉय जैसे दिखते हैं बट स्टील व्हील्स है, बहुत अच्छा एडिशन है ये सेगमेंट में। आपको इसके अंदर 175/55R 14 inch के टायर्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड या पीछे से भी देखा जाए तो बहुत स्टाइलिश लुक मिल जाता है आपको, एक स्टाइलिश टेल लैम्प मिल जाता है जो LED है, बाकी इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प आपको बल्ब में मिलता है। एंड इसमें आपको एक कैमरा भी मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा। बेसिकली XZ में आपको सेंसर्स मिलते हैं, कैमरा नहीं मिलते। XZ प्लस में आपको कैमरा मिलता है बट सेंसर्स नहीं हैं इधर। ICNG का बैजिंग मिल जाता है, टाटा का लोगो एंड अ थिक क्रोम बार आपको मिल जाता है पीछे। हाँ, बेसिकली अगर आप अहमदाबाद एरिया के हो और आपको गाड़ी का कोई भी इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी, कुछ भी करना हो तो आप रिया मोटर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। एंड या आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको ORVMs मिल जाते हैं, सेम इंडिकेटर्स भी आपको इधर ही मिल जाते हैं, क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है, और रिक्वेस्ट सेंसर्स भी इधर मिल जाते हैं। शार्क फिन एंटीना हुआ है जो भी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है, एंड हाई एंड स्टॉप लैम्प डिफॉगर आपको मिल जाता है पीछे, CNG का बैजिंग, वोकल फॉर लोकल का आपको इधर ब्रांडिंग मिल जाता है, ये आपके फ्यूल लिड या ग्रेट। आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रेयर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं इसमें, या ऐसे डाउन क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है गाड़ी का। सो ख़राब रास्तों में राइड क्वालिटी अच्छा होगा, आपका अंडरनीथ कुछ स्क्रैच नहीं होगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आई लाइक दिस कार, आई एम इन लव विद इट, सीरियसली ब्रो, सीरियसली लाइक दिस कार, आई एम रियली लविंग इट, इट्स ऑसम। बूट स्पेस देखा जाए तो इसमें CNG की वजह से है सच थोड़ा ही स्पेस मिलता है, बट आपको एक CNG टैंक मिल जाता है विच इज़ ऑसम। अंडरनीथ भी आपको जगह मिलता है इसके अंदर रखने के लिए सामान, या आपके टूल किट्स मिल जाते हैं। एंड अंडरनीथ आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाता है जो आई थिंक सो 13 inches है, स्पेस सेवर, लेट्स क्लोज इट। या ट्रिगोर का बैजिंग, लेट्स गो टू द रेयर सीट्स। पीछे देखा जाए तो आपको इधर कप होल्डर मिल जाता है, एंड इधर आपके पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, ट्विटर राइट ओवर हियर, क्रोम हैंडल आपको इधर मिल जाता है विच इज़ अ ग्रेट थिंग। या इधर आपको फाइबर फिनिश दिया गया है,
लेग रूम देखा जाए तो डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम आपको इधर मिल जाता है, एंड अंडर थाई सपोर्ट भी आई थिंक सो इट इज़ बेटर, या हेडरूम भी काफ़ी बराबर है, या तीन लोग बैठ सकते हैं, नो इश्यू इन दैट, एंड सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है, कुछ नहीं है। आपको इधर सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें ट्विन कप होल्डर्स आपको इधर मिल जाते हैं, आपको इधर तीन फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको इधर मिल जाता है जो जिसका कुशनिंग बहुत अच्छा है, और इधर आपको हैंडल्स मिल जाते हैं, आपको एक कैबिन लैम्प मिल जाता है सेंटर में जो वाइट लाइट है बेसिकली जो अच्छा है, एंड या क्लोजेस विद अ प्रॉपर थर्ड, आई लाइक इट, एंड स्पेस भी है काफ़ी पीछे। सेंटर कंसोल देखा जाए तो आपको ऐसा कुछ दिखता है, पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया हो गया हुआ है इधर जो अच्छा दिखता है वैसे। लेट्स गो टू द फ्रंट सीट्स। ड्राइवर डोर खोला जाए तो इसमें आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड जो पावर विंडो है वो आपको एल्यूमिनेटेड मिल जाता है इधर। इसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है, एंड नीचे आपको वाटर होल्डर का स्पेस आपको इधर मिल जाता है, आपको डेड पेडल मिल जाते हैं, एंड पेडल्स भी बहुत अच्छे ग्रिप ऑफर करते हैं आई थिंक सो, या एंड इधर आपको कभी होल्स मिल जाते हैं जो सामान आपको रखना है तो आप आसानी से रख सकते हैं। आपको एक अच्छा विजिबिलिटी आपको इस प्रोवाइड कर देती है टिगोर जो बहुत अच्छी बात है। आपको इसमें वन टच डाउन ड्राइवर साइड विंडो मिल जाता है विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आपको वेंट्स में भी पियानो ब्लैक फिनिश का यूसेज देख सकते हो, फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें स्पीडोमीटर आपको ओडोमीटर आपको ये सब मिल जाता है इसमें, जो बेसिकली टेम्परेचर है कितना डिग्री सेल्सियस बाहर आउटसाइड द कार आप फील कर रहे हो वो सभी इधर आपको देख सकते हो। बेसिकली मैं इसका फ़ैन नहीं हूँ, मैं अल्ट्रोज में हमको जो मिलता है बेसिकली मैं उसका फ़ैन हूँ। हॉर्न इस्तेमाल करके देखते हैं, हॉर्न इज़ प्रिटी गुड, वाइपर्स वर्क ब्रिलियंटली वेल। आपको एक टच स्क्रीन मिल जाता है जो बेसिकली बहुत अच्छे से फ्लूइडली काम करता है, इसमें आप सेटिंग में देख ही सकते हो, व्हीकल सेटिंग, ऑडियो सेटअप, फ़ोन सेटअप, वॉल्यूम सेटअप, जनरल जो भी सेटअप है इसके अंदर आप वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो बेसिकली। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी आपको इधर मिल जाता है विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड इसका मुझे एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है जो विथ अ स्विच ऑफ अ बटन आप इधर पेट्रोल से सीएनजी आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने गाड़ी को, ये उसी चीज़ का बटन है, एंड ये आपके बूट ओपनिंग का बटन है, ये आपके लॉक अनलॉक का बटन है, ये आपके फॉग लैम्प के बटन्स मिल जाते हैं आपको इधर, एंड क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको इधर मिल जाता है विच इज़ अ ग्रेट थिंग। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ये आपके 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इधर मिल जाता है, ये हैंड ब्रेक, ट्विन कप होल्डर्स, इधर कभी होल, इधर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, पीछे भी एक कभी होल आपको इधर मिल जाता है, इधर आप अपना फ़ोन वॉलेट जो रखना है आप रख सकते हैं, इधर USB ऑक्स का भी ऑप्शन है, एंड या प्रिटी गुड। डैशबोर्ड भी अच्छा है दिखने में, बट ऑल दो इट इज़ हार्ड प्लास्टिक बट इट्स ओके। ग्लोव बॉक्स देखा जाए तो आपको इधर डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाता है ग्लोव बॉक्स के अंदर, डिसेंट है वैसे, कोल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाता है राइट ओवर हियर विच इज़ ग्रेट एडिशन। या आपको सनवाइजर में देखा जाए तो आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, एंड सेम एज द केस विच इज़ अ ऑसम थिंग, आपको मैनुअली IRVMs मिल जाते हैं जो बेसिकली बहुत अच्छे से काम करते हैं वैसे। या प्रिटी गुड ऑसम कैबिन, आपको इधर ORVMs के कंट्रोल मिल जाते हैं जो आप फोल्ड भी कर सकते हो और एडजस्ट भी कर सकते हो, ग्रेट। लेट्स डू एन ऑडियो टेस्ट राइट अवे। ऑडियो वर्क्स ब्रिलियंटली वेल, आपको इधर 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, 4 ट्विटर और 4 स्पीकर्स आपको इधर हारमन के तरफ से मिल जाता है विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड ये आपके फिजिकल कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं इधर, ये आपके वॉल्यूम अप डाउन के बटन्स आपको इधर मिल जाते हैं, होम जाना तो आप इधर से विद अ वन टच आप इधर होम जा सकते हो, एज सेट आप इधर सेटिंग्स देख सकते हो, इधर आपको स्क्रीन बंद करना है तो इधर आप
वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड इधर आपको कैसे क्लॉक चाहिए, कॉल क्लॉक का आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है इधर, इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड या अगर आपको इधर फ़ोन में जाना हो, अलग अलग सेटिंग्स आपको इधर मिल जाते हैं, ऑडियो सेटअप्स है, कॉन्टैक्ट्स है, फेवरेट्स, आपको इधर पार्क असिस्ट का फीचर मिल जाता है विद डायनामिक स्वाइप्स जो बहुत अच्छे से वर्क करती है। एंड या बेसिकली इट्स अ डिसेंट सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड लेट्स डू द रिवर्स कैमरा आपको क्वालिटी एकदम क्रिस्प मिल जाता है और गाइडलाइंस भी इसका अडेप्टिव है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। पार्क ब्रेक एंगेज प्लीज़ रिवर्स, आप इधर मतलब ये मुझे कमांड्स दे रहा है कि मतलब मैंने अभी हैंड ब्रेक ऑन है, सो प्लीज़ रिलीज इट, सो बेसिकली हम रिवर्स कर सके। एक बहुत अच्छा फीचर इसमें मिल जाता है, अगर आप इधर CNG मोड एक्टिवेट करते हो तो इधर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि CNG मोड एक्टिवेटेड हो चुका है। इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ कि मेरा गाड़ी CNG में चल रहा है या पेट्रोल में चल रहा है। अगर उसको ऑफ़ कर देते हो तो लाइट्स इधर CNG के ऑफ हो जाते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि कभी कभार लोगों को पता नहीं चलता कि वो किस में चल रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन रह जाता है, कभी CNG में रह रहे हो या पेट्रोल में हो तो उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रह जाता है कभी कभार। आपको CNG का फ्यूल मीटर मिल जाता है और इधर आपको पेट्रोल के फ्यूल मीटर मिल जाता है, ये आपके RPM मीटर है जो 8000 RPM तक आपको इधर दिखाया गया है। लेट्स रेव इट, 4000 तक आराम से जा रहा है, 4500 टच हो जाता है एट न्यूट्रल, इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड या अभी CNG में भी 4500 टच हो जाता है गाड़ी का RPM, जो प्रिटी है, उतना तक जाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं वैसे। आपको इधर ड्यूअल हॉर्न्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, और बहुत हैंडी है, गाड़ी चलाते चलाते आपको सेंटर में पोजीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इधर से आप हॉर्न बजा सकते हो। इधर आपके ब्लूटूथ कंट्रोल्स है, ऑडियो मीडिया के जो भी कंट्रोल्स आपको इधर मिल जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में नहीं मिलते, इट्स ओके, सिटी ड्राइव के लिए क्रूज़ कंट्रोल वैसे भी कोई काम नहीं आता ज़्यादा। आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, टाटा का लोगो वो है, इट्स अ ग्रेट थिंग। या बेसिकली इसमें आपको एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है और जो प्रोड्यूस करता है समथिंग अराउंड 73 BHP ऑफ पावर, एंड जो बहुत स्मूथ है, ड्राइविंग प्लेजर इसका भी बहुत अच्छा है। और बेसिकली इसके कंपटीशन में ही इसका ऑरा ही आती है जो इससे कम पावर बनाती है, बट इसका जो पावर रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है हैज़ कम्पेयर टू CNG, मतलब जो CNG किट के साथ जो गाड़ियाँ आती है उसके कंपेरिजन में इसका पावर सबसे ज़्यादा है। सो बेसिकली अगर आप एक मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हैं तो आप ले सकते हैं इसका, ऐसा नहीं है कि अंडर पावर्ड है गाड़ी कि मतलब हाईवे में आप ले नहीं जा सकते। प्रिटी गुड कार आई वुड से, या